हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। शताब खान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। पता नहीं यार, आजकल पाकिस्तान मीडिया से ना खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है और अपने मन से जो है जियो कुछ और चला रहा है, ARY कुछ और चला रहा है, समा TV कुछ और चला रहा है, सच न्यूज़ कुछ और चला रहा है, जितने भी इनके चैनल्स है सबके पास कोई ना कोई खबर है। कोई ये कह रहा है बाबर आजम कप्तानी से जा रहा है, कोई ये बोल रहा है शताब खान जा रहा है वर्ल्ड कप से, कोई ये बोल रहा है शाहिनशाह अफरीदी कप्तानी करेगा, कोई ये बोल रहा है इफ्तिकार चाचू की जो है वो शाहिनशाह अफरीदी से लड़ाई होगी। एकदम से कुश्ती मैच हो रहा था टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद, तो कोई कुछ भी बोल रहा है। किन पर भरोसा करे, किन पर क्या करे, वो तो यार मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आपका देश है, आपकी मीडिया है, जो मुझे खबर आती है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हालांकि जो मैं खबर बता रहा हूँ मुझे इस पर भरोसा बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि शताब खान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। शताब खान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, ये कुछ लोगों का कहना है। भाई मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि रविंद्र जडेजा ने अगर एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिया तो ठीक है, उनको जो है ड्रॉप कर देंगे। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो अहमियत रविंद्र जडेजा टीम इंडिया में रखता है, वही अहमियत जो है शताब खान पाकिस्तान की टीम में रखता है। 3D कहे या 4D प्लेयर है, जो भी है, लेकिन है। हाँ, गंदा फॉर्म से गुजर रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विकेट्स उनको लेने थे, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेने ज़रूर थे। लेकिन अगर उस टूर्नामेंट के या एक टूर्नामेंट के बिहाफ पे अगर आप किसी प्लेयर को सीधा वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दें जिनको आप 3 साल से लेते आ रहे हैं, तो अब शताब खान की जगह रखेंगे किसको? कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई अबरार को भी ले लो, उसामा मीर को भी ले लो, वहाँ के बहुत सारी मीडिया कह रही हैं। अब उन मीडिया को ये नहीं पता है कि इंडिया में स्पिनिंग ट्रैक जो है वो रेड बॉल में सिर्फ खेला जाता है। जो स्पिन आप देखते हैं कि 2 दिन में 1.5 दिन में मैच खत्म हो गया, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में। आपने कभी देखा है कुलदीप यादव को इंडिया में 5 विकेट ऑल लेते हुए? मैंने तो नहीं देखा, आप रिकॉर्ड जाके देख लो। 30 का एवरेज है उनका, कुलदीप यादव का इंडिया में 30 का एवरेज है। गलत बोल रहा हूँ तो फिर बताइएगा मुझे। तो अचानक से अबरार को लेके आओ, उसामा मीर को लेके आओ, तो भाई सकलेन मुश्ताक को भी लेके चलाओ, है ना। अब्दुल कादिर जिंदा नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर वो है तो उनको भी ले आते आप। अब बोल रहे कि नसीम शाह की जगह जो है दहानी को ले आओ, दहानी की जगह बोल रहे इहसानुल्लाह को ले आओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ, कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, इसको लाओ उसको लाओ। मुझे ये लगता है कि वसीम वकार जी जो है कमेंट्री पैनल से निकल के वो भी आ जाए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उनमें क्या, वो अभी भी स्विंग करा लेंगे। भले उतनी स्पीड से नहीं फेंकेंगे, 120 की ही फेंकेंगे, 130 की ही फेंकेंगे, फेंक तो देंगे, इतने स्पीड तो टीम इंडिया के गेंदबाजों की भी रहती है। तो वसीम भी आ जाए, वकार भी आ जाए, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। शताब खान को आप ऐसे ड्रॉप नहीं कर सकते ब्रो, वो आपके MVP प्लेयर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, और वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। फील्डिंग आपने देखी होगी, जो श्रीलंका वाला मैच था, जो शुरुआती के 2 विकेट्स थे वो शताब की वजह से ही गए थे। एक रन आउट उन्होंने ज़बरदस्त किया था, फील्डर तो नो गजब का फील्डर है। तो ऐसे आप नहीं निकाल सकते। बाद में कि ये सब खबरें ना फर्जी खबरें हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।